with cold and slightly alkaline neutral. Yesterday you formed glyoxals. ठीक है, इसे बियर्स टेस्ट भी कहते हैं। जैसे कि जब आपने बेटे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया तो ब्रोमीन का कलर चला गया था, तो आप कह रहे थे कि ये अनसेचुरेशन का टेस्ट है। ठीक है, जब एल्कीन में आप ब्रोमीन ऐड करते हो तो हमने, याद करो, हमने कहा था कि ऐड होगी तो ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड है। ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन लिक्विड है, उसका कलर चला जाएगा क्योंकि वो तो ऐड होगी। इन द सेम वे KMnO4 एक पर्पल कलर का लिक्विड है, यू हैव सीन इन द लैब पर्पल। ठीक है, जब KMnO4 डालोगे तो उसका कलर चला जाएगा। अगर एल्कीन होगी तो उसका कलर चला जाएगा, समझ आ रही है? क्योंकि KMnO4 क्या होगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन देके, ठीक है, KMnO4 ने क्या करना है, नेसेंट ऑक्सीजन देनी है। पर ये याद रख लो, नेसेंट ऑक्सीजन देनी है, नेसेंट ऑक्सीजन देके खुद अपने आप को खत्म कर देना। जो चीज खत्म ही होगी वो अपना कलर शो नहीं करेगी। वो क्यों खत्म हुई है, क्योंकि उसने ग्लाइऑक्सल्स बनाए। ठीक है, इसी को ही बियर्स टेस्ट बोलते हैं। तो एल्कीन अंडरगो और ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस अंडरगो बियर टेस्ट, इसका मतलब वो एल्कीन या एल्काइन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पर्पल कलर चला गया। ये रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि नेसेंट ऑक्सीजन देती है, दैट्स इट। देन इसी रिएक्शन को बियर्स टेस्ट, इसी रिएक्शन को हाइड्रोक्सीलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सीलेशन। हाइड्रोक्सीलेशन या बियर टेस्ट, रिएजेंट क्या है, बियर्स रिएजेंट। ठीक है, जिसमें आपने कल ग्लाइऑक्सल्स बनाए थे। This is a test of unsaturation too. ठीक, अब अगर आपके पास हॉट हो, एल्केलाइन हो, ठीक है, या एसिडिक हो, KMnO4, तो आप अगर याद करो जब आपने रिडॉक्स पढ़ी थी तो हम ज्यादातर कोई भी रिएक्शन करते, जैसे Fe2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे MnO4 नेगेटिव होता था, प्लस एसिडिक मीडियम था तो यहाँ से Fe3 पॉजिटिव बन जाता था और MnO2 पॉजिटिव बनता था, नहीं बनता था, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक मीडियम में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता था, तब रिडॉक्स। अब तो रिडॉक्स आनी नहीं फिर से, यू आर लकी कि जो चैप्टर हो चुके हैं वो नहीं आना है। ठीक है, अदरवाइज प्रीवियस वाले पूरा साल ही पढ़ते थे। तो पर मैग्नेट खुद किस में चला जाता था, मैग्नीज में। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो किस मीडियम में वर्क करते थे, या एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में रिडॉक्स एक्शन जब करते थे आप। ठीक है, तो इन द सेम वे ये ऑर्गेनिक अमृत, इन द सेम वे ऑर्गेनिक में भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जब आप एसिडिक और बेसिक नेचर बेसिक लेते हो यहाँ पे। ठीक है, कैसे, ध्यान से समझो। यू हैव एल्कीन, नाउ यू हैव टेकन हॉट एसिडिक और एल्केलाइन और इवन कोल्ड यू कैन टेक, मतलब स्लाइटली उसको गर्म करके KMnO4। अगर मैंने यहाँ पे एसिडिक में KMnO4 डाल दिया, ये टर्मिनल है, टर्मिनल कार्बन है, मींस इसके बाद कोई भी कार्बन नहीं लगा हुआ है।
जब हम हॉट लेते हैं बेटे, ये बॉन्ड टूट जाता है बीच में से। जब हमने कोल्ड लिया था तब बॉन्ड टूटा नहीं था, ग्लाइऑक्सल बने थे। अब जब आपने हॉट कर दिया तो ये दो बॉन्ड टूट जाएगा और इससे दो एसिड्स बनेंगे। अब ये एक कार्बन वाला एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। इधर भी वन कार्बन वाला एसिड कौन सा बनेगा? फॉर्मिक एसिड। अब याद रखो, जब भी फॉर्मिक एसिड बनता है, फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल है, उसने फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देनी। जब भी किसी भी रिएक्शन में आपका फॉर्मिक एसिड बनेगा तो उसने क्या दे देनी है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब आपका कोई टर्मिनल CH2 ग्रुप है तो उसने क्या देनी है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टर्मिनल में। ठीक है, जब एक आर गिवन हो, कोई भी आर, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जैसे ये है, तो इसने पहले तो फॉर्मिक, ये एक फॉर्मिक एसिड बनेगा, ये दूसरा फॉर्मिक एसिड बनेगा, मगर अल्टीमेटली क्या मिलेंगे हमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ आ रही है? अल्टीमेटली यही रिजल्ट आना। अगर आपकी, मान लो आपके पास वो टू, मैं क्या कह रही हूँ, बनेगा थोड़ी टाइम के लिए, टूट जाना है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। समझ आ रही है? अब जैसे ये है, इसको आप इसमें से तोड़ोगे तो ये टर्मिनल है कि नहीं? तो टर्मिनल क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। और ये टू कार्बन वाला एसिड, टू कार्बन वाला एसिड कौन सा है? एसिडिक एसिड। तो ये क्या है? CH3COH+। मान लो ये फॉर्मिक एसिड बन गया तो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या बनेगा? ये ठीक है, तो हम इसमें क्या मिला? एसिडिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ब्यूट2ईन हो, क्या बनाओगे आप? रोल नंबर वन, ब्यूट2ईन क्या बनाओगे? बनाओ ब्यूट2ईन। CO2+H2O कहां से बनता है? मैं फिर बोल रही हूं, ब्यूट2ईन। अब बेटे ये देखो, ये ब्यूट2ईन है, ये यहां से टूटेगा, इधर कितने कार्बन वाला एसिड है? इधर कितने कार्बन वाला एसिड है? तो 2 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड नहीं बन जाएंगे? इसमें फॉर्मिक एसिड क्यों? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहां से बन जाएगी? इसमें टर्मिनल CH2 ग्रुप तो है ही नहीं आपके पास, इसमें था। जब एक कार्बन वाला एसिड बनना हो वो टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, सिर्फ फॉर्मिक एसिड, बाकी जो भी एसिड बन रहा होगा वो एसिड ही बनेगा। समझ आ रही है? तो इसमें क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड। अब आपके पास ब्यूट1ईन है, अब क्या प्रोडक्ट बनाओगे? यू हैव ब्यूट1ईन। हरी अब
क्या बना रिजल्ट बताओ। प्रोपेनोइक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्रोपेनोइक एसिड, अब डबल बॉन्ड यहां चला गया, ये देखो अब यहां नहीं है, डबल बॉन्ड यहां है ना, यहां यहां से टूटेगा ना, तो यहां पे फॉर्मिक एसिड बना, यहां पे प्रोपेनोइक एसिड बना, तो फॉर्मिक एसिड से फर्दर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ आ गई। अब नेक्स्ट केस देखते हैं इसी में। अब आपके पास ये तो बेटे स्टेट चेन थी जिसने प्रोपेनोइक एसिड बनाया था। अब मैंने यहां पे ब्रांच कर दिया, अब ये टू डिग्री होगी, टू डिग्री होगी ना एक तरह की एल्कीन। यहाँ पे C डबल बॉन्ड के अराउंड एक सिंगल चेन थी, यहाँ पे C जो डबल बॉन्ड वाला उसमें दो है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से तोड़ती हूं तो ये तो बनेगा फॉर्मिक एसिड जिसने आगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही देने, ठीक है। मगर जब ये ब्रांच आ गई तो अब ये एसिड नहीं देगा, अब ये कीटोन देगा, अभी एसिड नहीं बन सकता, ऐसे बनेगा जैसे लिखा हुआ है। अब आपके पास इससे क्या बन जाएगा, ये अगर मैं डबल बॉन्ड ओ लगा दूं तो ये एसीटोन नहीं है, ये थोड़ा मैं करा, आपको कोई सीधा नहीं बना के देगा पेपर्स में, आप इसको चेन को ऐसे जैसे मर्जी लेके जा सकते हो, चेन है तो ये बीच में ही तो आ रहा है और कहां आ रहा है, पेपर में कोई आपको सीधी सीधी करके नहीं देगा, ये अपना दिमाग अपने आप लगाना है आपने। मैंने इसको ऐसे रिंग को ऐसे कर दी, बस ये चेन थी इसको ऐसे पकड़ के नीचे कर दिया, तब भी बीच में ही है, इसको ऐसे उठा के ऐसे लेके जाओ, ये क्या बना, या प्रोपेनोन, और ये टर्मिनल था, इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ आई। अब जैसे अगर एक साइड ये हो और एक साइड ये हो, अब क्या बनाओगे प्रोडक्ट में, चलो बनाओ, चिराग चिराग, क्या बनेगा, यू विल गेट एसीटोन एंड एसिडिक एसिड, एस हाँ कर लो, करो विलेंसेस पूरी, इतनी तो अपने आप किया करो, बड़े हो गए, इतनी मिस प्रिंटिंग पेपर में भी होगी, तो इसमें क्या आपको पता नहीं स्ट्रक्चर क्या है, विलेंसी पूरी कर लो, दैट्स इट। अब वो टेंथ वाले नहीं होगी आपका, ये विलेंसी पूरी नहीं आती आपको करने, तो आपका क्या आंसर आएगा, एसीटोन और
एसिडिक एसिड। अच्छा ये जितना भी हमने किया ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन है, अगर ऐसे रिएजेंट डालते हो और आपको दो एसिड मिल रहे हैं या एक कीटोन और एसिड मिल रहा है, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड के बारे में पता चल रहा है हमें कि MnO4 यूज हो रहा है और हमें नए नए प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब हमें एल्कीन के बारे में पता चल रहा है। अब एक ऐसी रिएक्शन है जिसे कहते हैं ओजोनोलाइसिस, जिसमें हमको पूरा पता चल जाएगा कि अगर डबल बॉन्ड है तो कहाँ है, एंड उस पे हो नहीं सकता बेटे कोई क्वेश्चन ना आए पेपर में। पहले बात ओजोनोलाइसिस पे दोनों सेट में क्वेश्चंस होंगे, जब भी पेपर आएगा चाहे दिसंबर टेस्ट आएगा चाहे ये टेस्ट आएगा तो क्वेश्चन होता ही होता। क्वेश्चन हमने ये नहीं देना कि व्हाट इज ओजोनोलाइसिस, क्वेश्चन मैं अभी प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, तब उसका आंसर अपने आप निकालना। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस और रिएक्शन दिस विल गिव यू दिस, तो आपने स्टार्टिंग एल्कीन बतानी होगी। रिएक्शन एल्कीन को कन्वर्ट करने नहीं आएगा, आपको हमें बताना होगा कि एल्कीन कौन सी है। समझ आ रही है? जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना, वैसे इस रिएक्शंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये इस चैप्टर की, आफ्टर मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ जो केमिकल प्रॉपर्टीज करते हो उसके बाद इंपॉर्टेंट आती है ओजोनोलाइसिस। देखो ओजोनो मीन्स ओजोन है इसमें, लाइसिस का मतलब ओजोन के कारण टूट रहा है कुछ। ठीक है, ओजोनो लाइसिस। आपके पास कोई भी एल्कीन है, यू विल रिएक्ट विद ओजोन फर्स्ट, क्लोरोफॉर्म एज ए सॉल्वेंट। आपने कहना है बितरी लिखा लो, ठीक है, ओके, समझ आ गई। CH2 आपने इधर ना हट बनानी है, हट याद रखना, हट बनानी आती ऐसे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ये ऑक्सीजन ऐसे और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐसे, और यहाँ से बीच में से बॉन्ड टूट जाएगा, बन गया। ये तीनों ऑक्सीजन को यहाँ सेट कर देना आठ में, ठीक है, और बीच में से बॉन्ड कर देना है गायब। हमने हट तोड़नी भी अभी, ठीक है, तोड़ेंगे हम, ये हट बन गई। ठीक है, जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा ना वो डबल बॉन्ड गायब करके यहाँ पे अट बना रहे नहीं आप, बन गई। अब नेक्स्ट रिएजेंट डालना है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। आप सीधा सीधा लिखते रहो अगर जगह है तो, और इस हट को ऐसे तोड़ देना, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ दे देने, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ दे देना, ये ऑक्सीजन बच गया, इसको जिंक ऑक्साइड बना दें और माइनस कर दें। ठीक है, अब जब ये ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा तो ऑक्सीजन अकेला तो जाता नहीं है, एज ए डबल बॉन्ड जाता है, जाता है ना, तो ये वाला मान लो ये बॉन्ड निकल गया, ये ले गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड O, और ये वाला CH2 के साथ डबल बॉन्ड बनना है तो ये वाला बॉन्ड ले गया, अज्यूम करो ऐसे हुआ। अब हमारे पास क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड हो मीन्स टू मोल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड हो, यही बोलूंगे। तो यहां पे भी CH2 डबल बॉन्ड हो है, यहां पे भी CH2 डबल बॉन्ड हो है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो कभी बनाता नहीं,
अगर सिंगल बॉन्ड जैसे आप लिखते हो मान लो एल्कोहल, यहाँ आप कहते हो ना सिंगल बॉन्ड है, मगर यहाँ पे एक एक बॉन्ड इस तरफ है, एक बॉन्ड इस तरफ है। ऑक्सीजन में कभी सिंगल बॉन्ड नहीं जिंदगी में, क्यों केमिस्ट्री की एक्सेप्शन बेटे? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाता है, या तो ऐसे ऐसे बना लेगा या सीधा डबल बॉन्ड बनाएगा। अब ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या बना? अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं, CH2 डबल बॉन्ड हो क्या बना? अगर मैं इस पे ऐसे लिख दूं HCHO, क्या है ये? ये एक एल्डिहाइड मिथेनल बन गया। ये कंडेंस फॉर्म लिखी थी, ये ओपन स्ट्रक्चर, अगर ओपन और करें तो यही बनता है ना, HC डबल बॉन्ड OH। तो यही तो बनाया आपने, C डबल बॉन्ड O और दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये क्या बने आपके पास? 2 एल्डिहाइड, कौन से? फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनल, समझ आ रही है? तो मतलब इस कार्बन का भी एल्डिहाइड बन गया, इस कार्बन का भी एल्डिहाइड बन गया। ये भी 1 कार्बन थी तो इसने भी मिथेनल दिया, ये भी 1 कार्बन नहीं तो इसने भी मिथेनल दिया, समझ आ गई? तो हमें क्या मिलते हैं इंस्ट्रक्शन में? एल्डिहाइड। क्या मिला हमें? एल्डिहाइड। अभी तक हमने ये सीखा, और डबल बॉन्ड के अराउंड जितने भी कार्बन होंगे वो एल्डिहाइड देंगे, समझ आ गई? अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें। मान लो मेरे पास अप्रोपीन है, चलो हट तो बाद में बनाएंगे, हट यहां बनेगी ना डबल बॉन्ड पे, तो ये कितने कार्बन है? ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा है? इथेनॉल। 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा है? तो आपको इसमें आंसर में क्या आना चाहिए? हाँ, तो मिथेनॉल प्लस इथेनॉल। तो बना के देखो, देखो ओजोन, तो पहले आप क्या बनाओगे? हट, इसको तोड़ दोगे तो आपको ये वाला एल्डिहाइड मिलेगा और ये वाला एल्डिहाइड। यू विल गेट तो यू विल गेट अ इथेनॉल एंड यू विल गेट अ मीथेनॉल। ठीक है। अब वैसे ही अगर आपके पास ब्यूट-2-ईन हो तो क्या रिजल्ट आएगा? चलो बनाओ, ब्यूट-2-ईन की ओजोनोलाइसिस करवाओ। बेटे यू स्टडी इन द सेम क्लास, सो ब्रेन अगर किसी की एक्स्ट्रा वर्क करी आप उससे ज्यादा वर्क करवाने की कोशिश किया करो। सबने जेईस के देने हैं बेटे पेपर, एक ने नहीं देना अकेला, सबने। अपने आप को मोटिवेट किया करो पढ़ने के लिए। बनाओ ब्यूट-2-ईन का प्रोडक्ट बनाओ, आ रही आप? हट बनाओ जहां पे डबल बॉन्ड है उसको तोड़ दो, फिर अगर ब्यूट-1-ईन हो तो क्या बनेगा? ब्यूट-2-ईन है तो आप कह रहे हो 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, ब्यूट-1-ईन है तो क्या बनेगा? सॉल्वेंट है।
ब्यूट टू ईन है, तो फर्स्ट स्टेप में आप ओजोन डालो, यहां से तोड़ो CCL, तो आपको फर्स्ट स्टेप में हट मिलेगी। ऐसे भी पेपर में आ सकता है, हमने लिखा हो बस ऐसे, तो मन समझ लेना ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। तो आपको क्या मिलेगा, टू मोल्स ऑफ जहां डबल बॉन्ड लगा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना बस, और दोनों पार्ट्स को डबल बॉन्ड जहां पे डबल बॉन्ड लगा है उसके साथ ऑक्सीजन लगा दूंगी। यहां पे भी डबल बॉन्ड हो, यहां पे भी डबल बॉन्ड हो, इसको तोड़ दो, ठीक है, ओके। खुद बना बस, नेक्स्ट करूंगी ना उसमें चेक करना। नेक्स्ट, अब अगर मैं यहां पे CH3 लगा दू, हाँ बताऊंगी बेटे, क्वेश्चन करवाते हैं पहले समझो, अभी खत्म नहीं हुआ ओजोन लाइसिस, समझो अभी। ये डबल बॉन्ड है यहां पे बेटे, अब यहां पे एक ब्रांच है, अगर यहां पे डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, इधर वाला क्या बनेगा, कीटोन। जब ब्रांच चेंज एल्कीन आ जाए तो आपको कीटोन देगा, एल्डिहाइड कीटोन बहन भाई है, सीधा सीधा एल्डिहाइड है, जैसे ही ब्रांचिंग शुरू हो जाती है वो क्या बन जाता है, कीटोन। तो इस केस में आपको एक एक कीटोन मिलेगा और एक क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। गायब होगी, हेलो, ये क्या बन गया, तो ये आपके पास क्या मिला, कीटोन और एल्डिहाइड। अच्छा अगर यहाँ पे भी ब्रांच हो जाए तो अब क्या प्रोडक्शन होगी, बनाओ, हाँ बनाओ फिर, चलो अब एक क्वेश्चन लिखो जरा इस खुशी में। राइट डाउन एन एल्कीन अपॉन ओजोनोलाइसिस form 2 on ozonolysis form 2 isomeric carbonyl compound carbonyl compound carbonyl compound होते हैं
जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे कार्बनल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, विद फॉर्मूला C3H6O, 3H6O. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर एंड ऑल्सो ऑफ द एल्कीन. ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा आपको, ऑजोनोलाइसिस सीधा सीधा नहीं. हाँ ठीक है, अगेन आई रिपीटिंग, एन एल्कीन अपॉन ऑजोनोलाइसिस फॉर्म टू आइसोमेरिक कार्बिनल कंपाउंड, ठीक है, विद फॉर्मूला C3H6O. अब पहले ये सोचो कि हमें एल्डिहाइड या कीटोन ही मिलने हैं, एल्डिहाइड कीटोन मिलने हैं. तो जब इन्होंने आइसोमर्स की बात करी तो इसका मतलब क्या है, दोनों दो स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है. आइसोमर तब भी है, सेम तो नहीं हो सकता, कुछ वेरिएशन होंगी, समझ रहे हो. अब तीन कार्बन वाला पे तो एल्डिहाइड सोचो कौन सा, तीन कार्बन वाला है ना कार्बनल कंपाउंड. देखो जरा, 3C3H6O है ना, मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन है. सोचो कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, बनाओ फिर बेटे. पेपर में ऐसे ही सोचोगे अगर, ये तो मैं बता दूंगी बाद में, आप पहले अपना दिमाग घुमाओ. अब उन्होंने कहा है कि एक एल्कीन है बेटे, और क्योंकि बेटे पेपर में यही क्वेश्चन ही है, पेपर में ओजोनोलाइसिस पे और कोई क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक सैंपल है. तो आपको हर वे में दिमाग घुमाना आना चाहिए. सुनो ध्यान से, क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहे हैं. एन एल्कीन, कोई एल्कीन है जिसकी आप ओजोनोलाइसिस करवा रहे हो, टू आइसोमर्स मिल रहे हैं किसके, कार्बनल कंपाउंड के. तो ये कार्बनल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन ही होंगे, क्योंकि ओजोनोलाइसिस से हमें एल्डिहाइड या कीटोन ही मिलते हैं. इतना तो बात समझ आ गई. अब इनका हमें फॉर्मूला दिया हुआ है C3, कार्बन उनमें तीन है, तो तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड कीटोन होगा. तो पहले तो सोचो तीन कार्बन वाला कौन सा है, आप सोचो. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.